हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने एक मुझे पूछा था कि LIC में कौन सा प्लान हमें ज़्यादा बेचना चाहिए। तो देखिए, LIC में तो नीड के हिसाब से पॉलिसी हमको कस्टमर को देना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी एक जो पॉलिसी है वो LIC की है, वो है एंडोमेंट पॉलिसी। और वो भी एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो लेना चाहिए हमें 35, मतलब मैक्सिमम टर्म का। क्योंकि मैक्सिमम टर्म में एक फ़ायदा है कि सामने वाले को एक तो इंश्योरेंस अच्छा मिल जाएगा और उसको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक एग्जांपल दूंगा कि ये इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि 2000 करीबन 2002 2003 का है। एक मेरे क्लाइंट थे साइन में, तो उनकी डेथ हो गई थी और वो मैक्सिमम टर्म में एंडोमेंट उस टाइम पे 14 नंबर टेबल पॉलिसी थी, एंडोमेंट पॉलिसी थी। तो आपको बिलीव नहीं होएगा कि उस वक्त उस बंदे का कम से कम प्रीमियम था और कुछ 25 लाख का पॉलिसी था। तो उसमें बोनस भी काफ़ी अच्छी मिली थी उसको डेथ क्लेम में, और समय शॉर्ट भी। तो ऐसे कैसे कि मतलब एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो रिटर्न्स में भी काफ़ी अच्छा देती है। तो 99% मैं एक सजेशन करूँगा, मैं जहाँ तक बेचता हूँ फर्स्ट क्लाइंट को उसको एंडोमेंट के हिसाब से ही सजेस्ट करता हूँ। अगर एंडोमेंट नहीं तो उसके हिसाब से दूसरा पॉलिसी भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी है वो आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट प्लान है। तो उसमें कैसे है कि ये जो पॉलिसी है एंडोमेंट, वो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद के लिए भी ले सकते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया है, एज लिमिट है 75 एज तक रिस्क कवर ले सकते हैं हम। तो ऐसी अच्छी प्लान, बहुत सुंदर प्लान, बेस्ट प्लान आप हर हर एक क्लाइंट को दीजिए, सजेस्ट कीजिए। लेना नहीं लेना उसका काम है। अभी जैसे कि मैं मेरे पंशुल के लिए ले रहा हूँ, पंशुल के लिए 8 ईयर का जैसे हो जाएगा, 8 साल से एंडोमेंट पॉलिसी चालू है, तो 8 ईयर का पंशुल हो जाएगा तो हम एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे। अभी वैसे तो बाकी उसकी लिए भी है, तरुण लिए भी है, उमंग लिए भी है, बराबर ना पंशुल? तेरे लिए लिए ना पॉलिसी? हाँ, कौन सी ली है? एंडोमेंट लिए ना तेरे लिए? हाँ, एंडोमेंट अभी लेना है हमें, तो एंडोमेंट पॉलिसी लीजिए। काफ़ी अच्छी पॉलिसी है और काफ़ी सुंदर रिटर्न्स देती है। बच्चे के लिए लेंगे तो बहुत बेस्ट है, उसके करियर के लिए भी अच्छा है। और सबसे बड़ा उसमें है कि आपके फाइनेंशियल हाथ में हमेशा पैसा रहेगा। मतलब कि आपको 35 साल की अगर आपने लिया तो 35 साल तक आपके हाथ में रेवेन्यू रहेगा। तो बहुत सुंदर प्लान है। एक मेरे सारे एजेंट्स भाई से, एजेंट फ्रेंड्स लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको सेल कीजिए। उसकी ट्रिक बहुत सारी है एंडोमेंट की, तो आप यूज़ कीजिए। और मेरे क्लाइंट को भी मैं यही सजेशन करता हूँ एंडोमेंट पॉलिसीज़। और तो काफ़ी सारी हमारे पास में पॉलिसीज़ है जिसमें हम ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं, लेकिन कंपेयर टू एंडोमेंट मेरे को तो कोई दूसरा नहीं लगता है। तो हर एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एंडोमेंट का ज़्यादा मार्केटिंग कीजिए। और एंडोमेंट में ज़रा कॉम्बिनेशंस भी बहुत है कर सकते हैं हम, वो कीजिए। 35 ईयर मैक्सिमम टर्म दीजिए जिससे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस मिले और बेनिफिट भी मिले उसको। ठीक है, मैं आपका पीयूष शर्मा LIC ऑफ इंडिया से। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सेफ, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।